डोनर तो थोड़ी देर में आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण दास है। और आप कहाँ पे रहते हैं? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ से आप गोवर्धन में आए हैं पढ़ाई कैसे करते हैं? मैं होम स्कूलिंग करता हूँ। अच्छा, होम स्कूलिंग करते हैं। तो आपका पूरा दिन क्या कैसे रहता है? वहाँ थोड़ा खेलता भी हूँ और थोड़ी पढ़ाई भी करती हूँ। सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं आपके? इंग्लिश, मैथ्स, एनवायरमेंटल साइंस, संस्कृत। तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग यहाँ पे एक ही टीचर जो आपको पढ़ाए स्कूल नहीं जाते हैं, होम स्कूलिंग करते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं। तो आपको समझ आते हैं सारा अच्छे से? आपने भगवत गीता भी पढ़ी हुई है? मेरे टीचर्स मुझे सिखाते हैं भगवत गीता, भागवतम। अच्छा, भागवतम भी आपने करी है? आप ये सीख लीजिए ना, आप भागवतम कर रहे हैं अभी से। ऐसे नॉर्मली जो बिलीफ रहता है आजकल के लोग, खासकर इंडियन स्टार्टअप में सबसे ज्यादा जो डिवोशनल लाइफ है वो होनी चाहिए, बट आजकल बिलीफ ही हो गया लोगों का कि जो ये स्क्रिप्चर्स जो पढ़ने चाहिए वो बुढ़ापे में जाके पढ़नी चाहिए, जब आपकी शरीर आपका साथ देता नहीं है। और आप तो अभी इतनी जल्दी आपने शुरू कर दिया, इतनी मोटिवेशन कहाँ से आई थी आपको स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़नी है? और क्या आपको अच्छी लगती है ये सब पढ़ना? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। स्पेशली मुझे रीडिंग बहुत अच्छा लगता है। रीडिंग आपको जो स्क्रिप्चर्स की, तो आपको कोई फेवरेट श्लोक है भगवत गीता का जो आप बताना चाहें या फिर सुनाना चाहें? वासांसि जिन्नानि यथा विहाय नवनीय गृहन्ति नरो अपराणि यथा शरीराणि विहाय जिन्नानि कन्यानि सम्याति नवनीदे। इसका मतलब आप बता सकते हैं क्या? इसका मतलब जैसे हम ये पुराने जो कपड़े होते हैं उसको फेंकते हैं और नए वस्त्र लेते हैं, वैसे ही ये जो शरीर है जब हम बुढ़े होते हैं हम ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं। की हेल्प कौन करता है ये सब करने में? मेरे मम्मी और कोई कोई बार मेरे पापा भी। आपकी मम्मी पापा आपको हेल्प करते हैं आपको ये सब जानने में? हाँ। तो बचपन में जो बच्चा होता है उसको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं अपने बच्चे की जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें। तो ये बहुत जरूरी होता है एक बच्चे के लिए कि उसके जो माँ बाप हैं उसको अप्रिशिएट करें और उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे इन सब चीज़ों के लिए, और ताकि वो बड़ा होके एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा पेरेंट बन सके। जो बचपन से स्क्रिप्चर्स को पसंद करता है उसमें आप ये सारी क्वालिटीज देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि वो इतनी छोटी उम्र में 6 साल का बच्चा है। वो प्रहलाद महाराज ने जो शिक्षा दी है उसमें 5 साल से जो बच्चा होता है जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है उसकी शुरू कर देनी चाहिए, इतना वेट नहीं करना चाहिए। हम भगवान को क्या कभी मुरझे हुए जो फूल होते हैं वो चढ़ाते हैं? नहीं। पर जो हम अपने आप को जब हमारा शरीर साथ नहीं देता, हम पूरी तरह मुरझा जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि हम भक्ति करें। जो जवानी में बोलते हैं कि हम बुढ़ापे में जाके स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ेंगे, उनको आप देख सकते हो पार्कों में पत्ते खेलते हुए। ये काफी ज्यादा जरूरी है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसको हम ये कल्चर दें जो आज वेस्ट में इतना ज्यादा अपनाया जा रहा है, बट हमारे ही देश में ये खत्म होता जा रहा है क्योंकि आज हम वेस्ट की जो फिलोसफीज हैं उनसे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं। और अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप बचपन में और अपनी जवानी में कोई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ेंगे, कोई भक्ति नहीं करेंगे, तो बुढ़ापे में ये करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप अपने उम्र के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मुझे यही संदेश देना है कि खेलो कूदो मजा करो, पर आप साथ साथ में भगवान की भक्ति भी करो, और वो भगवान है श्री कृष्ण। तो वैसे तो मुझे पता है कि आपको इतने सारे श्लोक आते हैं और वो भी ये रिसाइट कर सकते हैं, और ये अगर मैंने इनको बोल दिया रिसाइट करने के लिए तो आप घंटे दो घंटे इसी वीडियो के ऊपर बैठे रहोगे। तो अभी आप कुछ श्लोक खुद से सुनाना चाहेंगे जो आपकी पर्सनल फेवरेट है और जो आप ऑडियंस को सुनाना चाहते हैं? हाँ। तो ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरानंद गोविंद सर्व कारण कारणम। और भगवद गीता में एक और श्लोक कि नेहा विक्रम नास्तुस्ते प्रत्यगायोर विद्यते स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य रायते महतो भयः।
तो जिस किसी से हम बात करते हैं या किसी से पूछते हैं तो सब बोलते हैं कि हमें भगवद गीता के बारे में पता है कि कर्म करेगा और फल की इच्छा मत कर। तो कृष्णदास आप कुछ हमें बताना चाहेंगे कि भगवद गीता का सार क्या है? हाँ, मुझे पता है और वो एक श्लोक है, मैं बोल सकता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य वामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सत्य। भगवान श्री कृष्ण इसमें बोलते हैं कि हमें सब कुछ छोड़ के हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, उससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, आपको इतना लेट हो रहा था और आपको भी इनके पेरेंट्स को भी, उन्हें काफी लेट हो रहा था गोवर्धन की परिक्रमा भी जाने के लिए और वो सिर्फ इस इंटरव्यू की वजह से वो यहाँ पे रुके। तो थैंक यू सो मच दो जी माता जी, एंड थैंक यू सो मच आपको भी। हरे कृष्णा।